हाय हेलो दोस्तों नमस्कार, डीएस बेस्ट इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कॉइल है जो कि इसको हमने रनिंग का रिवाइंडिंग किया है और आपको इसमें क्या बताने वाले हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको जब आप इसे रिवाइंडिंग करते हैं ना, तो आपको इस वायर को, ये देखिए जो हमारा इनर वायर है, ये भी बाई चांस यहाँ से टूट जाए तो इसको इस तरह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्वाइल लपटी हुई है तो ये सही से निकलेगा नहीं। यहाँ से टूट जाता है तो इस क्वाइल को हमको काटना पड़ेगा, और इस वाले क्वाइल को तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये हमारा ऊपर की तरफ है, तो इसको इस तरह से उलझ के निकाल सकते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा और ये वाला नहीं निकलेगा। तो इसी का सलूशन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मशीन पर और मशीन को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या ध्यान देना है जिससे आपका ये वायर यहाँ से टूट जाए तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। ये निकलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इसको हमने रिवाइंडिंग किया है तो ये नीचे नीचे के साइड में दबटा हुआ है और इसके ऊपर से क्वाइल लपटी हुई है तो ये निकलेगा नहीं। तो बाई चांस अगर आपका वायर यहाँ से टूट जाए तो इसे निकालने में बहुत दिक्कत होगा और आपको इसको काटना पड़ेगा। तो चलिए मशीन पे और आपको दिखाते हैं, उसी तरह से आप बाइंडिंग कीजिए और आपका ये वायर बाई चांस जो टूट जाता है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से बाइंडिंग करना है ताकि आपका वायर सही से निकल सके। मशीन पर आ चुके हैं और आपको क्वाइल बाइंडिंग करके दिखा देते हैं। आपको इस तरह से वायर को निकाल लेना है, इस तरह से थोड़ा बड़ा वायर इस तरह से निकाल लेना है। इसके बाद में इस तरह से दो राउंड करके चला देना है। इसके बाद में मशीन को स्टार्ट कर देना है। तो चलिए हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया और एक बार रिवाइंडिंग, अब ये वायर टूट जाएगा तो नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको हम इस तरह से लपेट देते हैं। इसको आपको इस साइड से इस तरह करना है और इसके बाद में आपको इसको लपेट लेना है इस तरह से। चलिए आपको दिखा देते हैं इस तरह से लपेट लेना है, क्योंकि ये वायर हमारा फालतू में निकला हुआ है बड़ा, और इसको इस पर इस तरह से लपेट देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से लपेट देते हैं। तीन चार राउंड इस साइड में लपेट देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से लपेट दिया। अब जो आपका वायर यहाँ से टूट सकता है, टूट जाए तो आप इसे दो चार राउंड जो लपेटे हुए हैं ना, उसी को आप उलझ सकते हैं और आपका वायर बड़ा निकल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।